प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज से हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं कंपनी। पहले आपने देखो प्लस टू के अंदर पार्टनरशिप सीखी, आज से हमारी शुरू हो रही है कंपनी। और कंपनी के अंदर आप लोग जितने भी सालों तक अकाउंट्स पढ़ेंगे तो कंपनी का पोर्शन आपका साथ साथ चलेगा। कंपनी आपने प्लस वन के अंदर बिजनेस स्टडी में पढ़ी थी, वही थ्योरी आपके प्लस टू में एप्लीकेबल होती है कि कंपनी क्या है। कंपनी इज द एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ पर्संस, व्यक्तियों का एक समूह जिनका मेन उद्देश्य बिजनेस करना है, उसको हम कंपनी कहते हैं। अब आम भाषा में हम क्या देखते हैं, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर कोई सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं और अपनी पार्टी वगैरह कहते हैं, और वो घर आकर आप उनसे बात करते हो तो कहते हैं कि हमारी कंपनी बनी हुई है। परंतु हमारे यहाँ कंपनी उसको नहीं कहते, हमारे यहाँ एक्ट एप्लीकेबल होता है 1956 और लेटेस्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है 2013। उसके अनुसार एक एसोसिएटेड आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका निर्माण हमारे कोर्ट के द्वारा होता है और यह एक कृत्रिम व्यक्ति है और जिसका मेन मोटो है बिजनेस करना और उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना और उसको अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो हमारे यहाँ तीन प्रकार की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी और एक वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम मेंबर 2 हो और मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी जिसमें मिनिमम मेंबर 7 हो और मैक्सिमम नो लिमिट, और वन पर्सन कंपनी जिसमें केवल और केवल एक मेंबर हो उसको हम ओपीसी कहते हैं, वन पर्सन कंपनी कहते हैं। जो अधिकार पार्टनरशिप में नहीं मिलते थे वो आजकल हमारी लेटेस्ट कंपनी जिसका नाम है ओपीसी, वो इसको मिलने शुरू हो गए और एक नई कंपनी का जन्म हुआ हमारे एक्ट 2013 के अनुसार, उसको हम ओपीसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की कैपिटल के बारे में, जिसके ऊपर हमारे पूरी की पूरी अकाउंट्स चलेगी। टाइप्स ऑफ द शेयर्स, सबसे पहले हम ये बात करें कि व्हाट मेंट बाय शेयर, शेयर कहते किसे हैं। द यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। कंपनी की टोटल कैपिटल 50 लाख रुपए है, उसको आपने एक छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, 10 रुपए वाली, 100 रुपए वाली, 1000 रुपए वाली, 500 रुपए वाली, उसको हम शेयर कहते हैं। अब हमारी जैसे कैपिटल है 50 लाख और हमारा 100 रुपए का शेयर है, तो हम 50 लाख रुपए को 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड द शेयर। और जो व्यक्ति इन शेयरों को खरीदता है उसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, फर्स्ट इज द इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज द प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या हैं, सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। ऐसे शेयर जिन पर रेट ऑफ डिविडेंड प्री डिटरमाइंड नहीं होती, पहले से निश्चित नहीं होती, प्रेफरेंशियल शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड पहले से निश्चित होती है और इक्विटी शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड पहले से निश्चित नहीं होती। जब कंपनी का समापन होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन,
तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को अपनी कैपिटल वापस लेने का भी पहला अधिकार होता है। जब प्रॉफिट का बंटवारा होता है तो अपना प्रॉफिट परी डिटरमाइंड रेट से लेने का पहला अधिकार होता है। परंतु कंपनी ने इनके कुछ अधिकार छीन भी लिए हैं। वो कौन से अधिकार छीने हैं? कि जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर हैं वो कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको वोट डालने का राइट नहीं होता, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इलेक्ट नहीं किए जा सकते। तो कंपनी कुछ अधिकार देती है तो कुछ अधिकार छीनती भी है। अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर की बात करते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी प्रेफरेंशियल शेयर, ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जिनके लाभ संचित होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी 2016 में प्रॉफिट नहीं दे पाई, 2017 में प्रॉफिट नहीं दे पाई, कंपनी के प्रॉफिट नहीं थे, लॉस थे, परंतु 2018 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार के जो प्रेफरेंशियल शेयर हैं, कम्युनिटी प्रेफरेंशियल शेयर हैं, उनके प्रॉफिट को कोई खतरा नहीं। उनको 2016, 2017 और 2018 का प्रॉफिट इकट्ठा मिलेगा 2018 में। एक होता है नॉन कम्युनिटी, ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जिनके लाभ को संचित नहीं किया जाता, इकट्ठा नहीं किया जाता। इनको साफ कहा जाता है कि जिस साल प्रॉफिट हो गया तुम्हें जरूर मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर पिछले साल का प्रॉफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, उसको हम नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंशियल शेयर कहते हैं। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, ऐसे प्रेफरेंशियल शेयर जिनका कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान कर सकती है। एक होता है इररिडीमेबल, जिनका कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान नहीं कर सकती। एक होता है हमारा पार्टिसिपेटिंग, भागायुक्त। अब मैंने आपको बोला कि इन पर रेट ऑफ डिविडेंड 10%, 12% पहले से लिखी होती है। इनको आपने कह दिया कि वो रेट तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, जो रेट तुम्हारे ऊपर लिखी हुई है। इसके अलावा अगर कंपनी को किसी साल अच्छे प्रॉफिट हो गए, एक्सेस मात्रा में प्रॉफिट हो गए, तो उस एक्सेस प्रॉफिट में से हिस्सा लेने का तुम्हें भी अधिकार है। वैसे तो उस पर अधिकार केवल और केवल इक्विटी का होता है, हमने इनको भी अधिकार दे दिया, तो उसे हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर कहते हैं। एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिन्हें केवल और केवल वो लाभ मिलेगा जो उन पर पहले से डिसाइडेड है, परी डिटरमाइंड है, एक्सेस प्रॉफिट पर उनका कोई अधिकार नहीं। इसी तरह से होता है हमारा कन्वर्टेबल, परिवर्तनशील। जब कंपनी अपने प्रेफरेंशियल शेयर को एक राइट देती है कि फ्यूचर में जब भी हम इक्विटी शेयर जारी करेंगे तो आप अपने प्रेफरेंशियल शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यू हैव ए राइट। और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, जिनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने प्रेफरेंशियल शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर सके। ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो आपने आज इस एक्ट को और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स को और कंपनी की फीचर्स को बहुत अच्छे ढंग से थ्योरेटिकल पढ़ना है। थ्योरी आएगी तभी आपको प्रैक्टिकल आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इक्विटी शेयर्स, इन पर लाभ की दर पहले से निश्चित नहीं होती है। प्रॉफिट होने पर भी प्रॉफिट इनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये डिपेंड करता है, और इसका डिसीजन अपनी एजीएम में लेती है, एनुअल जनरल मीटिंग में। इसके बाद हम कुछ विशेष बातें करते हैं। स्वयं इक्विटी शेयर्स, ये कंपनी उन लोगों को शेयर देती है जो कंपनी को अपनी सर्विसेज देते हैं, जैसे प्रमोटर्स हैं वो कंपनी को
निर्माण करने का काम करते हैं। अंडरराइटर है वो कंपनी की तरफ से शेयर को बेचते हैं, उनको शेयर जब इश्यू किए जाते हैं उनकी सेवाओं के बदले में पैसे नकद ना देकर उनको शेयर देना वो स्वेट इक्विटी शेयर कहलाता है। एक होता है बोनस शेयर, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर को कई सालों तक डिविडेंड नहीं देती, रिजर्व में इकट्ठे करते रहती है पैसे, तो एक निश्चित समय के बाद उस रिजर्व को तोड़कर हम जब अपने इक्विटी शेयर को उसके बदले में शेयर देना शुरू कर देते हैं तो उसे हम बोनस शेयर कहते हैं। राइट इक्विटी शेयर ये विशेष प्रकार के शेयर होते हैं, जब कंपनी जब भी नया इश्यू निकालेगी तो केवल उन्हीं व्यक्तियों को शेयर देगी जिनके पास पहले से उस कंपनी के शेयर हैं, पहला अधिकार उनको है। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो आम पब्लिक में बांटा जाएंगे। इसके बाद होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, जब कंपनी अपने शेयरों को किसी पर्टिकुलर बैंक को, किसी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, एक ग्रुप को शेयर इश्यू करती है, आम पब्लिक में अपने शेयर इश्यू नहीं करती है, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जब कंपनी अपने वफादार कर्मचारियों को मालिक बनाना चाहती है और चाहती है कि हमारी ये कर्मचारी हमें छोड़कर ना जाए, इनमें हमारी पर्सनल असेस्ट में स्टेबिलिटी बनी रहे, तो उनको हम मार्केट से कम प्राइस पर शेयर इश्यू करते हैं, उसे हम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम कहते हैं। अब ये शेयर भी एक निश्चित समय तक कर्मचारियों को इश्यू किए जाते हैं, ये खरीदना उनकी मर्जी पर डिपेंड है, कंपनी की तरफ से खरीदना उनके लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, उनको ये फैसिलिटीज हम मार्केट से कम प्राइस पर प्रोवाइड करेंगे और एक पर्टिकुलर पीरियड तक प्रोवाइड करेंगे, वो जैसे ही समय खत्म हो जाएगा वो फैसिलिटीज खत्म हो जाएगी। That's all.